DTV ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाइ दियंतु। युक्त दुई कलेज नामलेखा पाई आज मेरिट लिस्ट तथा कटअप मार्क प्रकाश पाई स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्ष प्रकाश पाई तालिकार आग रही रेभेन्सा विज्ञान वाणिज्य और कलार प्रथम स्थान में रेभेन्सा रही विज्ञान में 99% प्रथम स्थान में रही रेभेन्सा 88.6% बीजेपी कलेज द्वितीय स्थान में कलार 72.5% रेभेन्सा प्रथम 81.83% द्वितीय बीजेपी कलेज वाणिज्य 75.83% प्रथम रेभेन्सा 75.5% द्वितीय राउरकेला हायर सेकेंडरी स्कूल रही। राजधानी आज पुणी विपुल परिमाण में गंजेई जबत होई प्राप्त सूचना अनुजाई जबत होता गंजेईर आनुमानिक मूल्य प्राय 1 कोटी टंका हेबो। भोर समय खोर्धार भरतपुर निकट में एक बोलेरो गंजे चोरा चलाण होता खबर मिलता खबर पाई अबकारी विभाग पक्ष चढ़ाऊ कर उक्त बोलेरो विपुल परिमाण गंजे जबत कर जनक गिरफ्तार सूचना मिली। ट्विन सिटी में कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़ुवा बेले नियंत्रण को आने पर आक्शन मोड्रे कमिशनरेट पुलिस को देखा मिली कोरोना नियम पालन को कड़ाकड़ी करने अंटा भिड़ी कमिशनरेट पुलिस मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देश पाया परे आक्शन मोड को आसी पुलिस दोकानगुड़ी जांच करा जो अंचल अधिक भिड़ देखा किंबा लोगे सामाजिक दूरता मानुना और मास्क पिंधुन देखा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर दोकानी और लोकों ठार जरिमाना आदाय कर दोकान सिल कर देश में कोरोना संक्रमण और मृत्यु संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी गत 24 घंटे 96,424 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती मिसाई मोट आक्रांतों संख्या 52,14,677 पहुंची से हीपरि गोटे दिन में 1,174 जन कोरोना आक्रांत प्राण हर मोट मृत्यु संख्या 84,372 को वृद्धि पाई। सेहिभली राज्य में गत 24 घंटा मध्य 48,000 अधिक कोरोना नमूना परीक्षा कर स्वास्थ्य विभाग यह सूचना दी एम्य 39,628 आंटीजेन टेस्ट होता बेले 8,407 आरटीपीसीआर और 111 ट्रूट परीक्षा हो सूचना मिली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परामर्श पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैबिनेट मंत्रिमंडल हरसिमरत कौर इस्तफा को जरूरीकालीन भाव ग्रहण कर नरेन्द्र तोमर को खाद्य प्रक्रियाकरण विभाग अतिरिक्त दायित्व हस्तांतर कर सूचनाजोग्य गतकाली मोदी कैबिनेट्रु निजर इस्तफा देवा संपर्क में हरसिमरत कौर बादल ट्वीट कर कोरोना कबल मुंबई को रक्षा करने लगी 144 धारा ही आदेश आसंता 30 तारीख जाए बलवत्तर रहिबो। गोटे स्थान में 4 जनरु अधिक लोक छिड़ा हेले मुंबई पुलिस द्वारा कार्यानुष्ठान निर्देश दिया जाए। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव संख्या पुणि थरे वृद्धि पाउथिबारु एभली निष्पत्ति निया जाए। गत जून 15 तारीख में गलवान घाटी में घटी भारत चीन सेना मध्य संघर्ष नहीं चीन प्रथम थर मुह खोल स्वीकार कर गलवान उपत्यक दुई देश मध्य होता संघर्ष में चीन सैनिक प्राण हर पूर्व चीन यह ग्रहण कर चाइनार सरकारी खबरकगज ग्लोबल टाइम्स संपादक स्वीकार कर संघर्ष में चीन सेना को क्षति सहवाक पड़ी और किसी सैनिकों मृत्यु घटी। यहसह ग्लोबल टाइम्स संपादक हु जिजेन प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बृत्ति को ट्वीट कर गलवान घाटी में होता संघर्ष में चीन सेनार मृत्यु संख्या भारतर शहीद होता 20 सैनिक संख्यार कम था केवल एति नुहे कौन चीन सैनिक भारत द्वारा बंदी होन बरम चीन भारतीय सैनिक मानू अटक रखिता से ट्वीट्रे दावी कर। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार स्थित मेगा कोसी रेल पोल को उद्घाटन करेंगे 1.9 किलोमीटर दीर्घ यह पोल निर्माण में 516 कोटी टंका खर्च होसह अन्य 12 रेल प्रकल्प उद्घाटन करेंगे। बीजेपी राज्यसभा सांसद अशोक गाष्टी कोरोना संक्रमण में गुरुवार विलंबित रात में मृत्यु होती सेप्टेम्बर 2 से कोरोना संक्रमित चिन्हट होगा स्थानीय मणिपाल हस्पिटाल चिकित्सित होते श्वासक्रिया जनित समस्या देखा भेन्टिलेटर में रखा जाता कोरोना सहित से अन्य स्वास्थ्य समस्या पीड़ित थे डाक्तरखाना पक्ष भारत क्रिकेट दलर पूर्वतन अधिनायक सौरभ गांगुली भूमिकार नजर आसवे ऋतिक रोशन जदिव दादा बायोपिक निर्माण नहीं एवं सुधा कौन सूचना नहीं किंतु नेहा धूपिया चाट शो सौरभ परोक्ष किसी इंगित देवापर बी टाउन रे चर्चा जोर धरी शो नेहा पचारिथिले जदि आपण बायोपिक हुए तेज आपण भूमिकार क्या देखा चाहिए गांगुली उत्तर देते एवं मो मुंडे एभली कौन कथ ना किंतु यह निश्चित कहबि जदि ऋतिक चाहिए तेज मो भरीर ताकू करने को पड़
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 20ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।